समाजवादी पार्टी के मुखिया उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर गलत भाषा का इस्तेमाल करने के बाद उत्तेजित भाजपा कार्यकर्ताओं ने शाहबाद में उनका पुतला फूंकने का प्रयास किया था, लेकिन शाहबाद कोतवाली प्रभारी और क्षेत्र अधिकारी के कड़े तेवर के सामने पुतला फूंक नहीं पाए थे, जिसके चलते समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा कलेक्ट्रेट गेट के सामने उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का पुतला समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा फूंका गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है, जिस पर शहर कोतवाली पुलिस अग्रिम कार्रवाई कर रही है। पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार यादव ने कहा है कि कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, माहौल बिगड़ते वालों पर हरदोई की पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। एसपी यादव ने सभी से अपील की है कि ऐसा कोई कार्य ना करे जिससे जिले का माहौल खराब हो, नहीं तो ऐसा करने वालों पर हरदोई पुलिस दंडात्मक कार्रवाई करेगी, किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। देखिए क्या कहते हैं जिले के पुलिस अधीक्षक हरदोई से जिला ब्यूरो चीफ नरेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। कल 14 सितंबर को एक राजनीतिक संगठन द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री जी का पुतला फूंकने का प्लान बनाया गया था। इस संबंध में आवश्यक पुलिस डिप्लॉयमेंट किया गया था और पुलिस की तत्परता से पुतला फूंकने से रोका गया था। इस दौरान एक शीट पर आग लग गई थी, जिसको पुलिस द्वारा तत्काल प्रभाव से बुझा दिया गया था। आज 15 सितंबर को एक अन्य राजनीतिक संगठन के कुछ लोगों द्वारा कलेक्ट्रेट गेट के सामने अनअनाउंस उपस्थित होकर माननीय मुख्यमंत्री जी का पुतला जलाया गया तथा इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। इस संबंध में थाना कोतवाली शहर पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही। हरदोई पुलिस समस्त जनपद वासियों से अपील करती है ऐसा कोई कृत्य न करें जिससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न हो, अन्यथा हरदोई पुलिस संबंधित के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।